क्यों मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस? भारत में कब हुई रेडियो की शुरुआत? रेडियो पर कब प्रसारित हुआ पहला संदेश? कहते हैं कि तारीखें खुद अपने इतिहास की गवाही देती है, और यही कारण है कि 23 फरवरी का दिन भी अपने इतिहास के पन्नों को कोरेतता है। जी हाँ, आज ही का दिन था जब दुनिया में पहली बार अमेरिका ने रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा था, और इसीलिए 23 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के लिए मुकर्रर किया गया। हालांकि इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल दुनिया ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब लोगों के पास मनोरंजन के बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन आज का दौर बेहद अलग है। आज मनोरंजन के इतने साधन हैं कि लोगों के पास वक्त कम पड़ जाता है। खैर, ऐसा ही एक दौर था जब लोगों के हाथों में या घरों में रेडियो दिखाई देता या सुनाई देता था। उस वक्त रेडियो ही ऐसा माध्यम था जो लोगों का समय व्यतीत कर सकता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ रेडियो की जगह टीवी ने ले ली। हालांकि रेडियो हमेशा से संचार और अभिव्यक्ति के साधन के रूप में चर्चाओं में रहा है। इस दिन लोगों को रेडियो के महत्व के बारे में बताया जाता है। रेडियो का महत्व आपदा या आपातकालीन स्थिति में हमेशा बढ़ जाता है। हालांकि टीवी के आने के बाद रेडियो की जरूरत कम होती गई, इसीलिए रेडियो दिवस पर इसके महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। विश्व रेडियो दिवस का इतिहास। विश्व रेडियो दिवस के इतिहास की बात करें तो 13 फरवरी 2010 को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और साल 2012 में विश्व रेडियो दिवस मनाने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी। इसी वक्त से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। साथ ही 13 फरवरी को ही 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था। इसी दिन 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के दिन वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की थीम। साल 2023 की विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम है रेडियो और शांति। ये थीम रेडियो की तकनीक में तेजी से बदलाव और प्रगति पर केंद्रित है। ये लोगों को नई वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने में रेडियो के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इस थीम के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि संचार के भविष्य को आकार देने में रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में क्या है रेडियो का इतिहास? भारत में रेडियो बहुत पहले से काम कर रहा है। हिंदुस्तान में 23 जुलाई 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया। जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। इसी साल ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पहले न्यूज बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। हालांकि देश में प्राइवेट तौर पर रेडियो क्लब 1923 से ही शुरू हो गए थे। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे और इसके 5 महीनों बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की शुरुआत हुई। हालांकि इन दोनों के ट्रांसमीटर ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए केवल आसपास के क्षेत्रों तक ही इनकी पहुंच थी। आजादी के समय भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे, लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ तो 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चले गए। भारत के पास दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ के स्टेशन बचे थे। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। अगले ही साल विविध भारती की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।